नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। रायसी नगर के नजदीकी गांव बोमपुरा में लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग कांग्रेस व भाजपा छोड़कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा में हुए शामिल। इस मौके पर माकपा के जिला सचिव सौपित्रा मेघवाल ने सभी सदस्यों को माला पहनाकर माकपा की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला सचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग किसान मजदूर वर्ग से हैं और हमारी पार्टी हमेशा किसान मजदूर वर्ग गरीब की लड़ाई लड़ती है, इसलिए मैं अपने तन मन धन से इन सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा। इस मौके पर माकपा के तहसील सचिव पूर्व जिला परिषद डायरेक्टर कालू थोरी ने भी सभी लोगों का जो माकपा से आज जुड़े हैं उनका स्वागत किया। तो इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें भूप सिंह सारण, ममता पंजाबी, बादर राम डाल, सुरेंद्र महिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीएल सारस्वत। बोमपुरा पंचायत के अंदर कामरेड शौपत राम जी, हम सारे और पूरे गांव के किसान मजदूर माताएं बहनें इकट्ठी होके और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया है। लगभग 3 दर्जन से भी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग जो हमारी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के जो लोग हमारे इस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमने जो वादे किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी है, हम अपने वादों के ऊपर खड़े उतरेंगे। और आज जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।